वरहापीडम नटवर वपुकर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वे जयंतीं च मालां रंधान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप बृंदई बृंदारण्यम सुभद रमणम प्रावसद गीत गीत। इस श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? सुंदर पीतांबर धारण की हुई है, कर्णों में कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं, वैजंती माला धारण की हुई है, वृंदावन में गाय चराते हुए ग्वाल मंडली के मध्य में भ्रमण कर रहे हैं, श्याम सलोना उनका मुखारविंद अद्भुत छटा को प्राप्त हो रहा है और ग्वाल बाल चारों तरफ से जय जयकार करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, इस शब्द को बोलते हुए वो आ रहे। इस श्लोक को सुना तो निर्गुण में ध्यान लगाए बैठे सुखदेव जी सगुण की ओर उनका मन आकर्षित होने लगा, कृष्ण की ओर उनका मन आकर्षित होने लगा और सुखदेव जी सोचने लगे क्या कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? ये भी संभव है? पर सुखदेव जी ने सोचा नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों? बोले किसी का मुख देखकर ही उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। आजकल के बच्चे ये जो प्रेम करते हैं वो सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर देख के ही प्रेम करते हैं। सूरत अच्छी है, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, एक सेकंड लगता है। शक्ल अच्छी हो, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है गए फ्रेंड। और पता चला 3 दिन बाद उसके तो घर वाले ही दुखी थे उसके स्वभाव से, तो फिर माता ठोकने लगे, बोले ये पापी कहां से आ गया हमारे भाग्य में। तो फिर क्या किया, जितनी जल्दी नंबर लिया उतनी जल्दी ब्लॉक कर दिया, बोले भाई भागो यहां से। हाँ जी कि ना जी, जवाब दो। क्यों? क्योंकि सकल तो देखी पर दिमाग नहीं देखा, और जब तक दिमाग नहीं देखेंगे, बुद्ध व्यवहार नहीं देखेंगे, स्वभाव नहीं देखेंगे। हम तो कहेंगे प्रेम कभी भी सूरत देखकर मत करो, अगर प्रेम करना ही है तो चेहरा देख के नहीं, मुख देखकर नहीं, स्वभाव देखकर करो। और स्वभाव तो मेरे कन्हैया का ही बेस्ट है, इसलिए प्रेम करने का मतलब से कृष्ण ही है और कोई नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या स्वभाव है, तो सुखदेव जी रुक गए थे वहीं, बोले नहीं कोई कितना भी सुंदर हो और स्वभाव अच्छा ना हो, और जिसका स्वभाव ना पता हो उसके पीछे भागना ठीक नहीं है, तो पता ही नहीं स्वभाव कैसा है। तो एक वेद व्यास जी के शिष्य ने एक श्लोक बोला बहुत सुंदर, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघांसया प्याल यद व्यास साध्वी लेवे गतिम दातृजोताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। भगवान का स्वभाव कैसा है? पूतना अपने आंचल से कालकूट विष लगा कर आई थी। कैसे आई थी? कालकूट विष लगा कर आई थी। क्या इच्छा लेकर आई थी? मैं कृष्ण को मार दूंगी, विष पिलाकर मार दूंगी। ये स्वभाव था, ये विचार था, संकल्प था। और भगवान श्री कृष्ण ने विष पान करने के बाद भी पूतना को मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी। जो गति मैया यशोदा को बाद में दी जाएगी वही गति श्री कृष्ण ने पूतना को मैया यशोदा से पहले दे दी।
अब बोलो क्या प्रोग्राम है आपका, बताओ, है तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई इतना दयालु? बोलो, आज सारे रिश्तेदारों को एक मैसेज छोड़ना मेरे कहने से कि जैसे ही हम लौट के आएंगे ऋषिकेश से, आपको हम जहर पिला देंगे। सभी रिश्तेदारों को भेज देना शाम को, मेरी ये वीडियो क्लिप मत डालना, सिर्फ ये मैसेज छोड़ दो और उसके बाद रिएक्शन देखना। कितने रिश्तेदार तो ऐसे हैं जो तुम्हारे को उसी समय ब्लॉक कर देंगे, और एक आध तो जो तुमसे पहले से ही भीतर भीतर जलता हो वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाएगा। देखो साहब, ये देखो, पूरी धमकी है, आके मार देगा मुझे, कार्रवाई करो, FIR लिखो। आया ना, तुमने सिर्फ मैसेज भेजा, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और कौन कराएगा? जैसे तुम अपना रिश्तेदार रिलेटिव्स बोलते हो। और मेरे कन्हैया को सिर्फ मैसेज नहीं भेजा था, विष पान कराया था। क्या किया था? विष पान कराया था। और उस विष पान को करने के बाद भी मेरे गोविंद ने क्या किया? पूतना को परम गति प्राप्त करा दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई रिश्तेदार ऐसा है जो सिर्फ विष पान कराने की बात कहो और तुमसे प्रेम करे? रे कोई नहीं, मैं तेरे हाथ का विष भी पी लूंगा। है कोई? जितनी देवी बैठी है पत्नी, जितनी बैठी है देवी, अपने पति को मैसेज छोड़ दो, लौट के आने दे मुझे कथा से, भेज दो, सटीक रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे कृष्ण ही ऐसे हैं जो जगतपति हैं, उन्हें मैसेज नहीं भेजा गया, पिलाया गया, उसके बाद भी गति करते हैं, परम गति करते हैं, कल्याण करते हैं। सुखदेव जी से नहीं रहा गया, सुखदेव जी चले गए, नहीं, यही देव श्रेष्ठ है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने उन शिष्यों से पूछा, भैया इतने प्यारे प्यारे श्लोक कहां से सुनते हो, कहां से बोलते हो तुम? बोले, हमारे गुरु जी के पास में तो बहुत है। बहुत है? कहां है तुम्हारे गुरु जी? बोले, वो वेद व्यास जी महाराज आए। और तब उन्होंने भागवत का पूरा अध्ययन किया। बोली, भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।